चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे। वापस से आ गई हूँ अमेजिंग आउटफिट लेकर के। आज मैं आपके साथ सारे ही पार्टी वेयर आउटफिट शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली नहीं, अभी सारे अपकमिंग फेस्टिवल्स आने वाले हैं। अभी नवरात्रे आने वाले हैं, गणेश चतुर्थी आने वाली है, तीज आने वाली है। तीज के लिए थोड़ी सी मैं लेट हो गई, बट कोई नहीं, बाकी सारे बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं और हम सब की शॉपिंग हो गई होगी स्टार्ट। सो मैंने भी यहाँ कर दी है अपनी तैयारियाँ शुरू। सो फर्स्ट मैं बताना चाहूँगी, रेफरेंस के लिए मेरी हाइट 5.5 है एंड मोस्टली सारे ही ब्रांड में मैं एल साइज़ के कपड़े पहनती हूँ। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे इंस्टा आईडी पर भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल मेरे नाम से ही है, यूट्यूबर सविता मेरे चैनल के नाम से ही है। सो वहाँ जाकर के भी चेकआउट ज़रूर करें, क्योंकि मैं वहाँ रेगुलर अपडेट डालती रहती हूँ। सो बहुत हो गई बातें, चलते हैं वीडियो की तरफ। एंड इसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ, बट मैंने जैसा बताया कि मैं यहाँ आपके लिए फेस्टिवल कलेक्शन ही लेकर के आई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अच्छे अच्छे आपके साथ आज आउटफिट शेयर किया जाए। सो फर्स्ट आउटफिट जिसके साथ मैं आज अपना हॉल स्टार्ट करना चाहूंगी, सो देख लेते हैं वो कौन सा प्रोडक्ट है। सो फर्स्ट आउटफिट रेड से ही स्टार्ट करते हैं। फेस्टिवल्स आने वाला है, सबसे पहले हमारे दिमाग में रेड कलर ही आता है। यस, सो मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का ये कुर्ता लेकर के आई हूँ, ब्रांड इंडो इरा से है। एंड इस पे जो आपको इस कुर्ते की जो खास चीज़ मुझे लगी है, जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, वो इसके सीक्वेंस है। सो इस पे ऑल ओवर कुर्ते पे आपको ना सीक्वेंस वर्क मिल जाएगा एंड ये थ्रेड के साथ किया गया, तो ऐसा नहीं है कि निकल जाएगा। एंड इस पे लाइट आते ही आपको इसकी शाइन दिख रही होगी, कितना सुंदर लग रहा है। एंड कम्फर्टेबल तो ये बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन है एंड कॉटन की जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं कि थिन है और बहुत ज़्यादा थिक है। सो आपको बहुत ही कम्फर्टेबल यहाँ पर कॉटन की फैब्रिक मिल जाएगी। एंड कलर तो आपको दिख ही रहा होगा, अमेजिंग है। सबसे प्यारा तो मतलब फेस्टिवल्स पे ना इस तरीके के कलर्स, ब्राइट कलर्स पहनना ही अच्छा लगता है, जिसपे इस तरीके के थोड़े सीक्वेंस वर्क हो, थोड़ी शाइन हो, वैसे कपड़े ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड इन सब चीज़ों के बीच में हम अपना कंफर्ट कैसे भूल सकते हैं। सो ये काफ़ी कंफर्टेबल कुर्ता है एंड ऑल ओवर कुर्ते पे जैसा बता चुके इस तरीके का आपको सीक्वेंस वर्क मिलने वाला है पूरे ही कुर्ते में। नीचे तक आपको ये पूरा इस तरीके का मिल जाएगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड अगर हम इसके नेक लाइन की बात करें तो आपको ये राउंड मिल जाए का, कुछ इस तरीके का ना नेकलाइन मिलेगा। एंड यहाँ पे छोटा सा वी कट है एंड यहाँ पे ना इस तरीके की डोरी दी गई है, काफ़ी लंबी है, जिसमें वाइट येलो थ्रेड एंड वाइट पर्ल की डिटेलिंग मिल जाएगी। बहुत ही सुंदर लग रहा है, रेड के साथ येलो का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है एंड काफ़ी डिसेंट एंड सोवर सा पीस है, बट पहनने के बाद काफ़ी एलिगेंट लगेगा एंड काफ़ी सुंदर। अगर आप इसे अच्छे से ना कुछ अच्छे से स्ट्रेटमेंट ईयर रिंग के साथ वगैरह के साथ अगर आप स्टाइल करते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड अगर हम स्लीव्स की बात करें तो पूरे ही स्लीव्स पे अगेन ये सीक्वेंस वाला ही मिलने वाला है, फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड पे। सो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बैक आपको बिल्कुल प्लेन सोवर सिंपल मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से। एंड स्ट्रेट फिट कुर्ता है तो साइड से आपको एक लॉन्ग स्लिट मिलने वाली है। इंडो इरा के कुर्तों की जो स्लिट होती है ना वो थोड़ी लॉन्ग होती है, जिस वजह से मुझे ना इनके कुर्ते ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। सो ये थ्री पीस सेट के साथ आया था, तो मुझे इसके साथ इसका बॉटम भी मिला है। सेम फैब्रिक सेम कलर का इस्तेमाल किया गया है, सेमी बैंड स्टाइल मिल जाएगा। फ्रंट में आपको बेल्ट मिलेगा एंड बैक साइड में आपको बैंड प्रोवाइड करवाई जा रही है। एंड इसके साइड में आपको एक पॉकेट भी मिल जाता है राइट हैंड साइड में। एंड पॉकेट की जो लेंथ है ना वो काफ़ी डिसेंट है, ईजिली आपका पूरा इतनी दूर का आर्म्स आ जाता है। लाइक आप इसमें ना आराम से अपनी कीज़ एंड फ़ोन, कुछ कैश वगैरह कैरी कर सकते हो, जो कि सबसे अच्छी चीज़ होती है यार। अगर हम कहीं बाहर जाते ना या हम घर पे भी होते हैं तो हमें पूरे टाइम ना फ़ोन पकड़ के घूमना होता है ना, हम सोचते कहाँ रख दे, काम कर रहे हैं या किसी चीज़ में बिजी हैं, तो अगर आपके आउटफिट में ही पॉकेट है तो कितना अच्छा है। सो पॉकेट के साथ ही आता है। एंड ये प्लाजो है, नीचे आते हुए आपको इतनी फ्लेयर मिल जाएगी। अगेन यहाँ पे भी सेम उसी फैब्रिक से इसकी डिटेलिंग की गई है, फ्रंट एंड बैक बोथ साइड्स पे। एंड इस तरीके के जो पैंट्स होते हैं ना काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, काफ़ी कंफर्ट रहता है एंड काफ़ी अच्छा भी लगता है पहनने पे। सो इसके साथ मुझे दुपट्टा आया है, दुपट्टा देख लेते हैं कैसा है। इस पूरे ही कुर्ते का मेन अट्रैक्शन ये दुपट्टा ले जाता है, क्योंकि दुपट्टा आपको बेज कलर का मिल जाएगा एंड जिसके ऊपर आपको ना इस तरीके का थ्रेड वर्क मिलेगा। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस पे ना ग्रीन कलर के ये विविंग्स है। ये पहले मैं बता दूं कि ये सारे ही विविंग्स है। सो इस पे आपको ये इस तरीके का गोल्ड एंड ग्रीन विविंग्स का इस तरीके का बूटा मिल जाएगा एंड साइड्स पे आपको ये गोल्डन बॉर्डर भी मिलेगी। एंड नीचे आते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल आपको इस तरीके का विविंग वर्क मिल जाएगा। ये सेंटर पोर्शन पूरा ही गोल्डन
डिफरेंट एंड कलर्स के साथ वीविंग्स किया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर एंड काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, जिस वजह से मैंने इस कुर्ते को परचेज़ किया। बहुत ही सुंदर लग रहा था एंड काफ़ी अट्रैक्टिव भी लग रहा है, एंड आपको इस तरीके के टैसल्स भी मिलने वाले हैं। तो कम्प्लीटली जब ये आउटफिट आप स्टाइल करोगे ना, बिल्कुल हैंडलूम पीस दिखेगा, जिस वजह से आप काफ़ी एलिगेंट लगोगे एंड कम्फर्ट तो होता ही है। सो नेक्स्ट आउटफिट की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आउटफिट कौन सा है। सो नेक्स्ट आउटफिट इससे पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट मैं अगेन कर रही हूँ। ये वरंगा का कुर्ता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड फेस्टिवल्स पे ना इस तरीके के आउटफिट सच में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फर्स्ट तो काफ़ी कंफर्टेबल है, या आप अपने वर्क स्पेस के लिए भी कुछ सर्च कर रहे हो ना, जो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग हो, या जो टीचिंग जो टीचर्स वगैरह होते हो ना स्कूल में, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए कुछ ना कुछ इस तरीके के आउटफिट पहन के जाना होता है। सो ये कुर्ता बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, एंड काफ़ी आप इसे काफ़ी तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये पूरा सॉलिड कलर में आपको कुर्ता मिल जाएगा, आपको ये बहुत ही प्यारा सा मजेंडा पिंक कलर का कुर्ता मिल जाएगा, एंड जो इसका फैब्रिक है ना वो सिल्क एंड कॉटन ब्लेंड है। सिल्क इसमें ज़्यादा है, कॉटन थोड़ी कम है, सो ऐसा नहीं है डिस्कम्फर्ट होगा, कंफर्टेबल काफ़ी होता है, एंड फैब्रिक जो है ना वो थोड़ा खड़ा साइड पे है, सो चुपता तो नहीं है वैसे तो, बट हाँ अगर आप चाहें तो अंदर कुछ वेयर कर सकते हो, थोड़ा सा बहुत ज़रा सा इसमें ना ट्रांसपेरेंट है। सो अगर आपने कुछ न्यूड कलर के इनर वेयर्स पहने हैं फिर तो नहीं ज़रूरत लगेगी, लेकिन आपने कुछ अपोजिट कलर के पहने या डार्क कलर्स के पहने फिर आपको कुछ वेयर करना पड़ सकता है। एंड इसका नेकलाइन बहुत ही ज़्यादा सुंदर मुझे लग रहा है, इसलिए मैं अगेन इस आउटफिट को आपके साथ शेयर करूंगी। राउंड नेक है, जिसके ऊपर आपको दो तरीके के ना गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड के साथ डिटेलिंग मिल जाती है, और यहाँ पे छोटा सा ओपन है, यहाँ तक ये डिटेलिंग होती है। इस तरीके के कुर्ते आप ना काफ़ी तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, हैवी दुपट्टे के साथ, गोल्डन दुपट्टे के साथ, सिल्वर दुपट्टे के साथ, मैचिंग दुपट्टे के साथ, एंड इसके बॉटम में भी आप काफ़ी वेरिएशन ट्राई कर सकते हो। पैंट्स, प्लाजो, स्कर्ट्स, बहुत सारे तरीकों से आप स्टाइल कर सकते हो, और हर तरीका ना बहुत ही एलिगेंट एंड बहुत ही सुंदर लगता है। इसके साथ आप वाइट भी ट्राई करो, बहुत ही बढ़िया लगता है। मैंने इसे वाइट के साथ भी स्टाइल किया हुआ है, मैंने इसके साथ गोल्डन भी स्टाइल किया हुआ है, एंड इसके साथ मैंने ना बनारसी दुपट्टे के साथ भी स्टाइल किया हुआ है। सो सारे ही तरीके काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये स्लीव्स अगर हम बात करें तो 3/4 मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको ये गोल्डन लेस की डिटेलिंग मिल जाती है, एंड पूरा ही कुर्ता बिल्कुल प्लेन है, बट शाइन आपको दिख रही होगी कितनी ब्यूटीफुल इस पर शाइन है, एंड साइड स्लिट आपको मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, बैक बिल्कुल प्लेन सोवर सा है। सो अगेन बोलना चाहूँगी बहुत ही प्रिटी सा ये कुर्ता है, आप इसे परचेस कर ले। बॉटम एंड दुपट्टा हमारे पास कुछ ना कुछ होता ही है, सो बहुत ही प्रिटी लगेगा। एंड सेकेंड आउटफिट भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट मैं अगेन करना चाहूँगी। ये भी ब्रांड इंडो एरा से है, एंड बहुत ही अमेजिंग कलर है, एंड बहुत ही प्यारा लगता है। हमारे इंडियन स्किन कलर्स पे इस तरीके के कलर्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। सो ये नेवी ब्लू कलर का आपको आउटफिट मिल जाएगा, फैब्रिक सिल्क एंड कॉटन ब्लेंड मिलने वाला है। कॉटन की जो कॉटन है इसमें वो ज़्यादा है, सिल्क थोड़ा कम है, इस वजह से इस पर शाइन बहुत ज़्यादा आपको शाइन देखने को अच्छी खासी मिल जाएगी, एंड कम्फर्ट क्योंकि कॉटन ब्लेंड है तो कम्फर्टेबल बहुत ही ज़्यादा है। एंड ये कुर्ते के जो स्टाइल है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि यहाँ से ये राउंड एंड छोटा सा यहाँ पे कटआउट मिलने वाला है। पूरे ही कुर्ते पे आपको इस तरीके के ना गोल्डन एंड सिल्वर कलर के थ्रेड से यहाँ पे इसके ना वर्क आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल रहा है, जो कि पहना हुआ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है एंड काफ़ी क्लासी लुक भी दे देता है कुछ इस तरीके का। एंड अगर हम स्लीव्स की बात करें तो 3/4 मिल जाती है, अगेन यहाँ पे आपको गोटापट्टी की डिटेलिंग मिल जाती है। पूरा ही कुर्ता आपको प्लेन सिंपल सा मिल जाएगा, बट पहना हुआ जैसा अगेन बोल रही हूँ बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरीके से ना यहाँ पे आपको एक स्लेट भी मिल जाती है, लॉन्ग स्ट्रेट फिट कुर्ता है, एंड बैक से कुछ ऐसा दिखता है। मैंने इसे रिसेंटली अपने चैनल पे आपके साथ शेयर किया है, पुराने जाकर के भी वीडियोस मेरे शेयर कर देख सकते हो, बट मैंने सोचा फेस्टिवल्स से रिलेटेड यहाँ पे दिखा रही हूँ तो ये भी आपके साथ दिखाना तो बनता है। ये भी 3-पीस सेट के साथ आया है, एंड अगेन बोलना चाहूँगी इसका जो बॉटम है ना वो आपको मिक्स एंड मैच में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये सेमी बैंड स्टाइल मिल जाएगा, फ्रंट पे आपको बेल्ट मिलने वाला है, बैक साइड पे आपको बैंड मिल जाएगा, एंड अगेन राइट हैंड साइड पे आपको इसमें पॉकेट मिलने वाला है, जो कि सबसे अच्छा होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एंड नीचे आते हुए थोड़ा सा है ना ये टेपर है इस तरीके से, सो आप देखो कंफर्टेबल कितना है, क्योंकि थाई एरिया पे आपको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है, एंड नीचे आते हुए इतना सा मतलब ये नैरो हो जाता है, जिस वजह से स्टाइल काफ़ी सुंदर लगता है, एंड कम्फर्ट तो बढ़िया रहता है, यहाँ तक रहता है आपका कम्फर्टेबल, एंड आप
काफ़ी कॉन्फिडेंट भी रहते हो ऐसे कपड़े पहन के। एंड इस कुर्ते का पूरा अट्रैक्शन कौन लेके जाता है, इसका दुपट्टा। यस, ये दुपट्टा ऑर्गेंजा प्रिंटेड दुपट्टा मिलने वाला है, डिजिटल प्रिंट में मिल जाएगा एंड बेज कलर में है। बहुत ही सुंदर दुपट्टा लग रहा है। थोड़ा सा ये जो फैब्रिक होता है ऑर्गेंजा का, ये थोड़ा सा ना मैनेज करना मुश्किल होता है, बट जो आप इसे जब स्टाइल करते हो ना तो देखने में काफ़ी क्लासी एंड एलिगेंट लुक देता है। सो मुझे इस वजह से ना इस तरीके की चीज़ें काफ़ी पसंद आती है। आप पिन कर लो, उसके बाद तो कोई झंझट ही नहीं है, वो अपनी जगह से खिसकेगा नहीं। थोड़ा सा हो जाता है मैनेज करना मुश्किल, बट देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। सो आपको इसकी बॉर्डर पे इस तरीके का गोल्डन मिल जाने वाला है एंड बड़े बड़े फ्लावर्स आपको मिलने वाले हैं, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। एंड इसके नीचे पे आपको इतने सारे गोल्डन इस तरीके से स्ट्राइप्स मिलने वाले हैं। एंड ये प्रिंट नहीं है, विविंग है, साथ में किया जो आता है वो है। सो दुपट्टा कुछ इस तरीके है का है। एंड ट्राई ऑन में आप देख पा रहे होगे मुझ पर कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा आपको कौन सा लगा। नेक्स्ट आउटफिट की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट आउटफिट भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एंड मैंने सोचा ये भी आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए। मैं बात कर रही हूँ यहाँ इस येलो कुर्ते की, जो कि मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। एक तो इसका कलर बहुत ही सुंदर है येलो, एंड जो फैब्रिक है वो प्योर खादी कॉटन आपको मिल जाएगा, जिससे आपका कम्फर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। एंड आपको इसका जो पैटर्न है मैं भी दिखाऊँगी, कितना अमेजिंग एंड यूनिक पैटर्न है। फर्स्ट तो आपको फ्रंट पर जो दिख रहा है ये पूरा ही थ्रेड वर्क है, एंड कितने नीट एंड क्लीन तरीके से आपको इस पूरे ही कुर्ते पे थ्रेड वर्क मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर लग रहा है यार, बहुत ही नीट तरीके से किया गया है। मुझे तो लग रहा था प्रिंट है, बट ये पूरा का पूरा एम्ब्रॉयडरी मिलने वाला है एंड यहाँ पे आपको राउंड नेक का कुर्ता मिल जाएगा। सो मुझे ये कुर्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एंड नीचे आते हुए आपको ना ये स्क्वायर नहीं होके ना इस तरीके से राउंड मिलने वाला है, जिस वजह से ये कुर्ता और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है एंड कलर वगैरह तो बहुत ही प्यारा है। एंड स्लीव्स की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको 3/4 मिल जाएगा एंड इस पर भी अगेन पैटर्न बनाया हुआ है इस तरीके से कटआउट, एंड यहाँ पर छोटा सा एक वाइट फैब्रिक लगा करके ना इस तरीके से यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी भी किया गया, ज़्यादा अच्छे से ना आपको ट्राई ऑन में नज़र आ रहा होगा। एंड इस कुर्ते का बेस्ट पार्ट इसका बैक है, जो कि इतना अमेजिंग, इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना मुझे, क्योंकि इसमें बटन्स ना बैक साइड पे दिए गए हैं एंड सारे ही फंक्शनल हैं, तो इजी टू वेयर है एंड कुछ यूनिक लगेगा। मोस्टली कुर्तों में फ्रंट पे बटन्स लगाए होते, बट इसके बैक में है, आप हाई बर्न बनाएं एंड इस कुर्ते के स्टाइल को फ्लॉन्ट करें, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड इस पर जो बटन्स भी हैं ना, उस पर आपको ना वाइट एंड रेड कलर्स के ना फैब्रिक के साथ बनाए हुए, मतलब इस पर जो बटन्स हैं ना वो फैब्रिक वाले हैं एंड इस पर भी कलर्स हैं, तो वो भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि ये ना पूरे के पूरे कुर्ते को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। सो इस कुर्ते में इतनी सारी खूबियाँ हैं एंड ब्रांड अगर मैंने नहीं बताया तो ब्रांड अनुभूति है एंड इसका जो प्राइस है वो काफ़ी अफोर्डेबल है, अंडर 800 ही होगा आई थिंक, यहाँ जो भी प्राइस होगा मैं यहाँ मैंशन कर दूंगी। सो बहुत ही प्यारा ये कुर्ता है, फेस्टिवल पे या कैजुअल वेयर के लिए आप किसी भी ओकेजन पे इसे स्टाइल कर सकते हो। इसके साथ मुझे इसका बॉटम आता है एंड जो बॉटम है ना वो ऑफ वाइट कलर का है, अगेन बोलूंगी फैब्रिक जो है ना खादी कॉटन मिलने वाला है एंड आपको बोथ साइड्स पे इस तरीके के बैंड मिल जाएंगे, फ्रंट एंड बैक बोथ साइड्स पे। इसके राइट हैंड साइड पे आपको पॉकेट भी मिलने वाला है एंड पॉकेट्स के साइड्स पे ना इस तरीके के फैब्रिक लगाई गई है, तो वो थोड़ा थोड़ा विजिबल है ना, तो वो भी थोड़ा यूनिक लग रहा है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस इस पॉकेट में क्या है ना कि जो इसकी यहाँ पे मतलब जो होल है उसकी साइज थोड़ी छोटी है, बट ईजिली हाथ आ जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत होगा। सो इसकी पॉकेट में थोड़ा सा ये है, बट बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे ये भी एंड फैब्रिक खादी कॉटन है, तो काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाला है। नीचे आपको मल्टी कलर का प्रिंट मिल जाएगा एंड इस पर जो बनाया गया है प्रिंट, आप देखो कितना सुंदर लग रहा है, हाथी, राजा एंड बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे आपको इस तरीके का प्रिंट मिल जाएगा। पूरा का पूरा ये कम्प्लीटली एथनिक वाइब्स आएगा जब आप इसे पहनोगे ना, तो बहुत ही सुंदर लगेगा एंड काफ़ी क्लासी भी लगेगा। सो नेक्स्ट आउटफिट की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आउटफिट कौन सा है। सो नेक्स्ट आउटफिट तो प्रॉपर मतलब बहुत ही बढ़िया सा पार्टी वेयर एंड फेस्टिवल के अकॉर्डिंग ही है एंड मैं बात कर रही हूँ ब्रांड इंडिया के आउटफिट की। अमेजिंग ट्यूनिक है ये, बहुत ही प्यारा लगा। आप इसे ना स्कर्ट के साथ, पैंट्स के साथ, दोनों ही तरीकों से आप इसे स्टाइल कर सकते हो। इस तरीके के आजकल लॉन्ग स्लिट वाले कुर्ते भी काफ़ी ट्रेंड में हैं एंड काफ़ी सुंदर भी लगता है। एंड इसका कलर जो है आपको दिख रहा होगा, ये ना
डल पिंक कलर कुछ उस तरीके का दिख रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। फैब्रिक आपको जॉर्जेट मिलने वाला है एंड इसके नेक लाइन की अगर हम बात करते हैं तो आपको वी नेक लाइन मिल जाएगा कुछ इस तरीके का, और वी तो आजकल ट्रेंड में है आप सबको पता ही है। एंड यहाँ पे आपको ना गोल्डन कलर्स के बटन की डिटेलिंग मिल जाएगी कुछ इस तरीके की, गोल्डन बटन की डिटेलिंग मिलती है। एंड अपर पार्ट पे सबसे अच्छी चीज़ है, अपर पार्ट पे आपको ना पूरा ये जो टॉप है यहाँ तक आपको लाइनिंग मिल जाती है, जिस वजह से आपको अंदर कुछ वेयर करने वाला झंझट भी नहीं है, बस इसे पहना एंड अच्छा स्टाइल कर लो। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इसके नेक लाइन पे ना ये सीक्वेंस का आपको यहाँ पे उसकी भी डिटेलिंग मिल जाएगी, गोल्डन सीक्वेंस की डिटेलिंग मिल रही है। एंड ये आपको जो दिख रहा है ये प्रिंट किया गया है, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों कलर्स का यूज़ किया गया है, तो अगर आपके पास गोल्डन बॉटम है तो बहुत ही अच्छा है, गोल्डन नहीं है तो आपके पास सिल्वर है तो आप उसके साथ भी स्टाइल कर सकते हो, या आपके पास ना कुछ ऑफ वाइट शाइनी टाइप ऑफ कुछ होना तो उसके साथ भी आप स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं तो सजेस्ट करूंगी इसे आप पैंट के साथ, हाई वेस्ट पैंट के साथ स्टाइल करें, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, अमेजिंग लगने वाला है। सो कुछ इस तरीके का ये कुर्ता है, इसका स्लीव्स आपको ना 3/4 है एंड अगेन वही प्रिंटेड मिल जाएगा, इसमें आपको लाइनिंग प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है जिस वजह से काफ़ी सुंदर लग रहा है। एंड इसमें आपको ना इस तरीके से कलियों वाला आपको सेक्शन इसमें जो है वो अनारकली टाइप ऑफ है, तो कलियाँ आपको मिलने वाली है कुछ इस तरीके से। एंड बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे आपको जिप भी मिल जाता है, जो कि आपको पता होगा कि हाई क्वालिटी के जितने भी होते हैं ना उनमें मिल जाता है, सो आपको यहाँ पे जिप का भी मिल जाता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड जो इसका स्लिट है वो आपके बॉटम के जस्ट बाद से ही, अपर टॉप के बाद से ही है, सो पूरा नीचे तक आपको हाई स्लिट मिलने वाला है एंड बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, कलर बहुत ही सुंदर लग रहा है, पहना हुआ आप मुझे देख पा रहे होंगे कैसा लग रहा है। यहाँ पे भी आपको इस तरीके की सीक्वेंस की डिटेलिंग मिल जाती है, सो थोड़ा हाई एंड लो पैटर्न टाइप ऑफ है बट बहुत ही ब्यूटीफुल है, कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सो आप इनमें से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो अपकमिंग किसी भी फेस्टिवल के लिए, एंड अगर इनमें से आप कुछ भी परचेस करते हो तो मुझे कॉमेंट में आकर के ज़रूर बताएं। एंड आपको जो भी इसमें से आउटफिट पसंद आता हो मुझे ज़रूर बताएं कि आप में इनमें से सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा आया। सो अगर आपको मेरा कंटेंट या वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सो मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी जो कि काफ़ी अच्छा है, मैंने जिसे यूज़ किया है, देन मैं आपके साथ वो प्रोडक्ट यहाँ यूज़ करूँगी। आप सबको पता है कि मेरा स्किन पिंपल्स प्रोन स्किन है, सो मैं हमेशा ऐसे प्रोडक्ट सर्च करती हूँ जो कि मेरे फेस के अकॉर्डिंग अच्छे से बिहेव करे एंड मेरे जो भी प्रॉब्लम्स है मेरे स्किन पे वो उसे सॉल्व करे। तो मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ सेंट आइव्स के हैं एंड ये USA बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा है, ऐसा इसके इस पर लिखा हुआ है। एंड ये बहुत ही खूबसूरत सी पैकेजिंग के साथ मुझे रिसीव हुआ है, आपको जैसा कि दिख रहा होगा बहुत ही प्यारी सी पैकेजिंग में आया है। सबसे पहले मैं आपके साथ जिस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी वो इनका फेस वॉश है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, मैंने इसे यूज किया है एंड आपको दिख रहा होगा ये यहां तक मैंने इसे खाली भी कर दिया है। सो बढ़िया सा इसमें आपको 2% सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, एंटी ट्री एक्सट्रैक्ट मिलेगा जिस वजह से हमारा फेस काफी क्लियर एंड क्लीन हो जाएगा एंड डीप क्लीन भी होता है इससे। एंड ये काफी बढ़िया जेल फॉर्म में आता है एंड बहुत ही माइल्ड है आपके फेस पे, बट ये आपके फेस को काफी अच्छे से क्लीन करता है। एंड इसके साथ मुझे इनका स्क्रब भी आया है, स्क्रब भी बहुत ही अच्छा है जो कि हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़रूरी भी होता है। सेंट पिंपल इसमें भी 2% सैलिसिलिक एसिड मिलेगा एंड वॉलनट एंड टी ट्री एक्सट्रैक्ट के साथ ही आपको मिलने वाला है, ये आपके फेस पे काफ़ी जेंटल है एंड जब आप इसे यूज़ करोगे तो आपका फेस काफ़ी रिफ्रेश हो जाएगा एंड काफ़ी क्लियर भी हो जाएगा। इन प्रोडक्ट को मैंने यूज़ किया है एंड मैं चाहूँगी कि आप सब भी इसे एक बार यूज़ ज़रूर करें। सो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक दे दूँगी, आपको अगर प्रोडक्ट परचेज करना हो तो वहाँ से जाकर के आप इन प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो।